Let us learn division of a number by two digit divisor. Before that, we have learned division of number by a one digit divisor. Let us solve some question to understand. Let us divide 819 by 13. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट है 8. 8 13 से छोटा है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 81 को कंसिडर करेंगे. तो 81 13 से बड़ा है तो हम डिवाइड कर सकते हैं. अब 13 की टेबल में 81 नहीं आता, तो हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो कि 13 की टेबल में आए और वो 81 से छोटा हो और उससे सबसे पास पे हो. सो वी नो दैट 13 6 78. Now we will subtract 78 from 81. 81 minus 78 equals 3. अब हम इस 9 को नीचे लिखेंगे. अब 39 13 से बड़ा है और 39 13 की टेबल में आता है. 13 3 से 39. अब हम 39 को 39 से subtract करेंगे. So we get 0. So our question is 63. Now let us solve one more question. Let us divide 47,040 by 20. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट 4 गिवन है, तो 4 20 से छोटा है तो हम 4 को 20 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो हम दो डिजिट लेंगे 47 20 से बड़ा है तो हम 47 को डिवाइड कर सकते हैं 20 से. अब 20 के टेबल में 47 नहीं आता, तो हम 20 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें जो आंसर मिले वो 47 से छोटा और उसके सबसे पास में हो. वी नो दैट 22 इज़ 40. अब हम 47 को 40 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 माइनस 0 7, 4 माइनस 4 0. अब हम 4 नीचे लिखेंगे. 74 20 से बड़ा है तो हम 74 को डिवाइड कर सकते हैं 20 से. 23 इज़ 60. 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 6 1. अब हम 0 को नीचे लिखेंगे. सो वी गेट 140. अब 140 20 से बड़ा है तो हम 140 को डिवाइड कर सकते हैं 20 से. 27 इज़ 140. 140 माइनस 140 इज 0, सो आवर रिमाइंडर इज 0. सो आवर क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 237. लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. लेट अस डिवाइड 94,338 बाय 18. तो सबसे पहले हम 94,338 के लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखेंगे. यहाँ पे 9 है. 9 18 से छोटा है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम दो डिजिट कंसिडर करेंगे. दैट इज़ हम 94 कंसिडर करेंगे. अब हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो 18 के टेबल में आए और जो 94 से छोटा हो और उसके सबसे पास में हो, क्योंकि 94 18 के टेबल में नहीं आता. सो 18 5 सा 90. 4 माइनस 0 4. 9 माइनस 9 0. अब हम 3 को नीचे लिखेंगे. 43 18 से बड़ा है तो हम 43 को डिवाइड कर सकते हैं 18 से. सो 18 टू ज़ा 36. सो 43 माइनस 36 इक्वल्स 7. अब हम 3 को नीचे लिखेंगे. 73 18 से बड़ा है तो हम 73 को डिवाइड कर सकते हैं 18 से. 18 फोर ज़ा 72. So 73 minus 72 equals 1. अब हम इस 8 को नीचे लिखेंगे. 18 ones are 18. 18 minus 18 0. So our question is equal to 5,241. Now we will learn long division with remainder. Let us divide 6,259 by 17. तो यहाँ पे 6 17 से छोटा है तो हम 62 को कंसिडर करेंगे. अब हम ऐसे नंबर फाइंड करेंगे जो 17 के टेबल में आए और जो 62 से छोटा हो या उसके बराबर हो और उसके सबसे पास में हो.
17 threes are 51, 2 minus 1, 1, 6 minus 5, 7. अब हम इस 5 को नीचे लिखेंगे. अब हम एक ऐसे नंबर फाइंड करेंगे जो 17 के टेबल में आए और जो 115 से छोटा हो या बराबर हो उसके, और जो 115 के सबसे पास में हो. तो 17 sixes आ 102. अब हम 102 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 115 में से. 5 minus 2, 3, 1 minus 0, 1, 1 minus 1, 0. अब हम 9 को नीचे लिखेंगे. 139 बड़ा है 17 से, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 17 से. 17 eights are 136. 9 minus 6, 3, 3 minus 3, 0, 1 minus 1, 0. So our question is equal to 368 and the remainder is 3. Let us solve one more question. Let us divide 9400 by 92. अब हम 9400 को डिवाइड करेंगे 92 से. यहाँ पे 9400 डिविडेंड है और 92 डिवाइजर है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट डिजिट देखेंगे जो कि है 9. अब 9 छोटा है 92 से, तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम दो डिजिट कंसिडर करेंगे. 94 बड़ा है 92 से, तो हम 94 को डिवाइड कर सकते हैं 92 से. 92 ones are 92. 4 minus 2, 2, 9 minus 9, 0. अब हमें 0 को नीचे लिखेंगे. अब यहाँ पे हमें 20 मिला. अब 20 जो है वो छोटा है 92 से, तो हम यहाँ पे एक 0 प्लेस करेंगे और इस 0 को भी नीचे लिखेंगे. जब हम एक साथ दो नंबर्स को नीचे लिखते हैं तब हमें एक 0 पुट करना पड़ता है. अब 200 बड़ा है 92 से, तो हम 200 को डिवाइड कर सकते हैं 92 से. 92 twos are 184. 200 minus 184 is equals to 16. So our question is 102 and our remainder is 16. Let us solve one more question. Let us divide 8,934 by 25. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट देखेंगे. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट 8 है. 8 छोटा है 25 से, तो हम दो डिजिट कंसिडर करेंगे. दैट इज हम 89 को डिवाइड करेंगे 25 से, क्योंकि 89 बड़ा है 25 से. नाउ वी नो दैट 25 threes are 75, 9 minus 5, 4, 8 minus 7, 1. अब हम इस 3 को नीचे लिखेंगे. 143 बड़ा है 25 से, तो हम 143 को डिवाइड कर सकते हैं 25 से. तो हम 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 25 fives are 125. अब हम 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 143 से. यहाँ पे 3 है, 3 छोटा है 5 से, तो हम बोरो लेंगे. 4 threes बन जाएगा 3, 13 बन जाएगा 13 minus 5, 8, 3 minus 2, 1. अब हम इस 4 को नीचे लिखेंगे 1 minus 1, 0. अब हम इस 4 को नीचे लिखेंगे. अब हमें 184 मिल गया. 184 बड़ा है 25 से, तो अब हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो 25 के टेबल में आए और जो 184 से छोटा हो या तो उसके बराबर हो या और उससे सबसे पास में हो. सो 25 into 7, 25 sevens are 175. तो हम 184 minus 175 करेंगे. तो 184 minus 175 equals 9. So our question is 357 and the remainder is 9. Let us solve one more question. Let us divide 5469 by 12. So, सबसे पहले हम left hand side से start करेंगे dividend के. तो यहाँ पे dividend का सबसे left most digit है 5. 5 12 से छोटा है, तो हम 54 कंसिडर करेंगे. 54 12 से बड़ा है, तो 54 को हम डिवाइड कर सकते हैं 12 से. तो हम 12 fours करेंगे. 12 fours
48. 54 minus 48 equals 6. अब हमें 6 को नीचे लिखेंगे. अब 66 12 से बड़ा है तो हम 66 को डिवाइड कर सकते 12 से. 12 5 सा 60. 6 माइनस 0 6. 6 माइनस 6 0. अब हम इस 9 को नीचे लिखेंगे. अब 69 12 से बड़ा है तो हम 69 को डिवाइड कर सकते हैं 12 से. 12 5 सा 60. 69 माइनस 60 इक्वल्स 9. सो आवर क्वेश्चन इज 455 एंड द रिमाइंडर इज 9.